राधे राधे, जय श्री राधे। बहनों भाइयों, मैं अनिल भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बहनों भाइयों, हमारा जो आपका वार्तालाप है, हमारा जो बातचीत हो रही है, हमारा जो प्यार आपका बढ़ रहा है, वो है श्रीमद् भागवत गीता। और भागवत गीता का पहला अध्याय हम आपके सुन। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, मैंने कुछ संस्कृत नहीं पढ़ी है, क्लियर बता रहा हूँ। कोरोना के टाइम में हमने ये अध्ययन किया था, थोड़ा सा इधर उधर से देखा था, ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आप इसको पढ़ेंगे दो चार बार, मैं धीरे धीरे मैं भी पढ़ूंगा तो आप समझेंगे। लेकिन ये विषाद जो हमारा पहला अध्याय है, ये मोह है बस। इसी मोह को निवारण करने के लिए शिवान्या ने उनको उपदेश दिया है, और जो शब्द हैं, हर शब्द में भगवान की वाणी है, इसमें अमार के मांचली की ईश्वर की वाणी है। आप इसको पढ़ेंगे, आप डेली एक महीने में एक बार पढ़ लीजिए, आप एक एक दो दो श्लोक पढ़ लीजिए, कल्याण है। लेकिन करेंगे तब ना। आप किसी से भी, बहुत सारी किताबें हैं बुक सेलर पर, कहीं जाकर आप किताब ले लिया पढ़ेंगे। मेरे तो आपसे ये कहना का, मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप पढ़िए कि किताब पढ़ेंगे तब तो कोई आज होगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ये अधर्मी तो था। देखिए, एक बात आप नोट कर लिए, किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। जो इसका हिस्सा है उसको आपको देना पड़ेगा। आप परिवार में रहते हैं, बाहर रहते हैं, दोस्ती में है, जो भी उनका जो हिस्सा बनता है वो आपको देना ही चाहिए। मैंने अपने अध्ययन किया है, जिन्होंने मतलब किसी का हक खाया, आप बुद्ध पुराणों को समझते हैं, मैंने अपने जीवन में अध्ययन किया है, आप परेशान हैं, हर प्रकार से परेशान हैं। इसलिए कभी भी किसी का हक नहीं लेना चाहिए, भूल करके भी। जो इसका बनता है आप दे दीजिए, आज नहीं तो कल आपको परेशानी आएंगी ही आएगी। इसमें मैं नहीं कहता, सास तो आके देख लो, आप आजू बाजू में देखेंगे तो ये। मेरा तो काम था आपको पता, आपने क्या करना है आपका ध्यान है, धर्म पर चलेंगे अधर्म पर चलेंगे ये आपका हक है। मैं तो बता रहा है आपको, चलो आप पढ़ते हैं, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा। आज से मैं सोच लिया है कि आपको धीरे 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 एक पढ़ना, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा नहीं, हो सकता है मेरे से कोई गलतियाँ हो गई इन शब्दों में, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनको सुधारने की। चलते हैं। अन्ने चा बाहवा सूरा मदर्थे तख्त जीवतः, नाना शस्त्र प्रहाणा सर्वे युद्ध विशारदः। अच्छा, एक बात आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा, कि एक जो लास्ट की जो बिंदी लगती है उसको माँ की तरफ फूड़िए, और जो हलंत होती है, जो दो दो बिंदी लगती है ना, उनको थोड़ा सा रुक के खा के रूप में उसको आप बोलना की प्रैक्टिस करिए, आप सीख जाएंगे। थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये ज़्यादा कठिन है भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके हिंदू पाद कर देखिए, इस इनके अतिरिक्त बहुत से सूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चलाने वाले हैं, तथा दो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अब इसका जो दूसरा श्लोक है उसका, अपर्याप्तम तदसमाकम बलो भीमा भिरक्षतम, पर्याप्तम तदमेदासा बलो भीमा भिरक्षतम। अब आपने देखा होगा दुर्योधन सबको बता रहा है, लेकिन भी मतलब द्रोणाचार्य बिल्कुल एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला है, तो चुप बैठे हुए थे ना। इसलिए हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में पर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उनके संरक्षक उभय पक्षपाती मतलब पक्षपात करने वाले भीष्म पितामह हैं। उनके अंदर ये है कि ये हैं, इन पक्षपात करते हैं, पांडवों का पक्ष कर रहे हैं। देखिए कितनी विचित्र है बात दिखा रहे हैं, यही डर है जो धर्म पर चलेगा, जो सच्चे मार्ग पर, डो डरना नहीं, किसी चौराहे पर भी चला जाएगा उसको कोई डर नहीं होगा। अच्छा, जिसके अंदर गलत काम करेगा ना वो डरेगा। जिम कुभंत पग दे दखेसा रहे न तेज बुद्ध वल्लेसा, जो कुमार पर चलेगा अपने आप ही छीण हो जाएगा। ये नोट कर लेना आप, कोई भी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो पर, आप देखो आजू बाजू। वह हमारे पांडवों पर यह करने के असमर्थ हैं, असमर्थ हैं, क्योंकि उनके सच्चे वह पक्षपाती भीष्म हैं, परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि निस्सेना पक्षपाती भीमसेन। ये कहते हैं, वो डर बैठा हुआ ना उसके अंदर, यही है। जब आप कुमार्ग पर चलेंगे तो आपको धीरे 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 धीरे, और आप सतमार्ग पर चलेंगे तो आपकी कोई परीक्षा नहीं, यही गीता बताती है। अब ऐसा नहीं है हम बैठे हैं ऐसा नहीं सा, हम तो ये करें कर्म हमने करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सतमार्ग पर चलना हमने और देखना हमने, यही है हमारी बस आपसे विनती कि आप जो है शुभ मार्ग पर चलें, सत्य मार्ग पर चलें, कल्याण है।
और थोड़ा गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे धीरे 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 धीरे, हम आप देखेंगे हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं 90% आपके उनके गीता घर में ही नहीं मिलेगी। अगर मिल भी गई तो उनको पता ही नहीं है पहले अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में क्या है, तीसरे अध्याय में क्या है, कौन सी भाषा है, सरल भाषा है। ठीक है, आगे के लिए फिर तैयारी करेंगे। तब राधे राधे, जय श्री राधे।